श्रुति मिश्रा और आप देख रहे हैं चेतना मंच। धरती पर प्रलय को लेकर कई बार भविष्यवाणी की जा चुकी है और अक्सर इसको लेकर चर्चा भी होती रहती है। माया कैलेंडर ने तो 2012 में ही दुनिया के खत्म होने की भविष्यवाणी कर दी थी। वैज्ञानिक एक बार फिर से महाविनाश का समय और दिन बता रहे हैं। क्या होगा वो समय और कौन सा होगा वो दिन, जानने के लिए देखिए ये खबर। करीब 433 मिलियन साल पहले धरती पर पहली बार प्रलय आई थी, जिसे एंड ऑर्डिविसियन कहा गया था। इस दौरान धरती पर स्थित पानी बर्फ में बदलने लगा और जीवों की मौत होने लगी। प्रलय के दौरान करीब 86 प्रजातियां समाप्त हो गई। इसके बाद बची हुई प्रजातियां मौसम के अनुसार खुद को ढाल रही थी। करंट बायोलॉजी जर्नल ने साल 2017 में इस बारे में विस्तार से जानकारी दी। आखिरी बार करीब 65.5 मिलियन साल पहले प्रलय आई थी। बताया जाता है कि इस दौरान धरती से डायनासोर का खात्मा हो गया था। हालांकि इसकी क्या वजह थी, इसको लेकर अभी भी बहस चल रही है। अब वैज्ञानिक छठवीं विनाश को लेकर चर्चा करने लगे हैं। ये क्यों, कब और कैसे होगा? प्रसिद्ध जीवाश्म वैज्ञानिक रिचर्ड लीके ने चेतावनी दी थी कि धरती पर छठवें विनाश के लिए इंसान जिम्मेदार होगा। अब वैज्ञानिकों का कहना है कि इंसानों की गतिविधियां बढ़ने की वजह से ऑक्सीजन का स्तर कम हो रहा है, जिससे इस बार अधिक खतरा है। उनका कहना है कि इसकी शुरुआत हो चुकी है। उन्होंने बताया कि प्रलय के बिना ही धरती से कई स्पीशीज लगातार खत्म होती जा रही हैं, जिसे बैकग्राउंड रेट कहा जाता है। ये तो एक साधारण बात है, लेकिन इंसानों की गतिविधियों के कारण धरती पर 100 गुना तेजी से स्पीशीज गायब हो रहे हैं। इंसानों की वजह से 100 गुना तेजी से जीव जंतुओं का खात्मा हो रहा है। प्रोसीडिंग ऑफ नेशनल एकेडमी ऑफ साइंसेज यानी PNAS में वैज्ञानिकों ने इसको लेकर एक लगातार शोध किया। छठवें सामूहिक विनाश को होलोसीन और एंथ्रोपोसीन एक्सटेंशन नाम दिया गया। शोधकर्ताओं को डर है कि इसमें बैक्टीरिया, फंगी, पेड़ पौधे, इंसान, रेप्टाइल्स, पक्षी और मछलियां सभी खत्म हो जाएंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, चेतना मंच।